हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खाना खजाना में मैं आज बनाऊंगी फ्रेंच बनाना टोस्ट। ये बहुत सिंपल है और आप इसे मॉर्निंग में एज ए ब्रेकफास्ट खा सकते हैं, बहुत हेल्दी भी होता है। तो चलिए रेसिपी करते हैं स्टार्ट। फ्रेंच बनाना टोस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बनाना लिया है जिसको मैंने इसको छील लिया है यानी पील कर लिया है। इसके बाद इसको छोटे छोटे पीसेज में कट करना है, बहुत ही छोटे छोटे पीसेज में इसको कट कर लेंगे। लेकिन मैं थोड़े इतने बड़े पीस रखूँगी कि आपको देखने में लगना चाहिए कि हाँ इसमें बनाना मैंने ऐड किया है। बहुत ज़्यादा भी ग्राइंड नहीं करना है, बिल्कुल पेस्ट टाइप का नहीं बनाना है, बस इसको छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पीसेज में कट कर लेना है। तो देखिए मैंने इसको ऐसे कट कर लिया है और एक ही बनाना हमें यूज़ करना है इसमें। इसके बाद मैंने यहाँ पर दो एग लिए हैं, दोनों एग को हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। और मैंने यहाँ पे चार ब्रेड की स्लाइसेस लिए हैं, एक कप में यहाँ पे मिल्क भी ऐड कर दूंगी इसके अंदर, वन टीस्पून शुगर ऐड कर दूंगी। आप चाहें तो ऐसे भी डायरेक्ट शुगर ऐड कर सकते हैं या फिर शुगर पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अब शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें। तो शुगर को मैंने यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसके बाद मैंने एक बाउल लिया है यहाँ पे, इसके अंदर मैंने यहाँ पे ब्रेड की दो स्लाइसेस को ऐड कर दिया है। इसके ऊपर हम बनाना का जो मैंने यहाँ पे पेस्ट टाइप का बनाया है उसको ऐड कर देंगे। और मैंने यहाँ पे दो ब्रेड की स्लाइसेस को और रख दिया है इसमें, और इसके ऊपर वही बनाना और मिल्क का जो लिक्विड था वो मैं ऐड कर दूँगी दोबारा से। अब बस मैंने एक तरफ पैन को अच्छे से गर्म होने रख दिया है, इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे बटर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पे देसी घी का भी यूज़ कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे थोड़ा सा देसी घी का यूज़ किया है, 1 टेबल स्पून करीब। इसके बाद मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम कर दी है गैस की, और मीडियम फ्लेम पर इसको 2 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब 2 मिनट हो गए हैं और मैं इसको पलट दे रही हूँ। तो देखिए मैंने इसको पलट दिया है तो एक साइड से अच्छे से सेक गया है, दूसरी साइड से भी सेक लेंगे 2 मिनट तक। ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी होता है, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो देखिए अब इस साइड से भी अच्छे से सेक गया है ये। आप चाहें तो इसके कॉर्नर जो हैं इनको भी अच्छे से आप सेक सकते हैं कुछ इस टाइप से। तो मैंने भी इसको सारे साइड से अच्छे से सेक लिया है, और अब मैं यहाँ पे गैस की फ्लेम को ऑफ कर दे रही हूँ और मैं इसको सर्व करूँगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ आप चैनल को कमेंट करें, शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।